तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक हो गया। देखिए गाइस, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और आज मेरा बेटा कितना खुश है। और अभी हम जा रहे हैं, मम्मा बेटा स्कूल जा रहे हैं, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। चलो जेब जल्दी करो, चलो। देखिए गाइस, जेब स्कूल से आ चुका है। आए, आज तो फ्राइडे और क्या बनाया जेब की, वाह जबरदस्त, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जेब लेने पत्ती गया था और बादाम लेके खा रहा है, ये हाल है जेब का। गाय जेब का नाश्ता हो रहा है और ये देखे जेब की वही आदत, जो मोबाइल चलाएंगे साथ साथ नाश्ता भी करेंगे। ये देखो क्या देख रहा है, चिंग शिंजन मिंजन, क्या देख रहे थे? मल जाएगा, चलो ठीक है। मार्केट गाइस, मेरा सुपरमैन आया। सुपरमैन कैसे करता है जेब, कैसे कैसे ऐसे भागता है, अल्लाह वापस आ जाओ सुपरमैन। ये हाल है मेरे सुपर का। बस सुपरमैन ट्यूशन का काम कर रहा है, देखिए कितना अच्छा ट्यूशन का काम हो रहा है। सुपरमैन ट्यूशन के काम भी करते हैं, देखिए कितना मेरा सुपरमैन पढ़ाई में लाइफ पैक है। और इसकी बाजी ने इसको लिखना सिखाया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करता है और ख़ुद से करता है माशाल्लाह से। और अभी हम ट्यूशन के लिए रेडी होंगे और देर से जाएंगे। देर इसकी सुन लो बस, हाँ ये तो कितना अच्छा लिख रहा है माशाल्लाह से। और अभी हम रेडी होंगे ट्यूशन के लिए, फिर हम जैब के और इसके पापा के कपड़े हो गए रेडी। अब जैब को मैं तैयार कर रही हूँ और जैब को रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जेब हो गया रेडी, अब हम ट्यूशन जा रहे हैं। और जेब को जाते जाते भी मस्ती सोचती है क्योंकि इसको कैप ढूंढनी है और कैप पहन के जाना। जेब गीले बाल हैं और रहने दो, चलो ट्यूशन। अच्छा कैप वापसी में ढूंढ के रखूँगी ना, फिर जान पहन के जा। लेकिन ज़िद ज़रूर करनी है जेब ने। अरे ट्यूशन, हम आ गए जेब के ट्यूशन। कराची का मौसम इतना चेंज हो गया, अचानक सर्दी पड़ गई है कराची में। और मैंने जेब के सारे कपड़े, सर्दियों के कपड़े वॉश किए हैं, अभी सब निकाले हैं मोटे मोटे, उसके जैकेट वगैरह सब, उसके ये देखिए जैकेट वगैरह भी सब वॉश कर दिए हैं। और जेब साहब ये देखिए कार्टून देखने में इतने मगन है। कपड़े हो गए सारे तय और बहुत सारे कपड़े थे, बाकी मैंने ये थोड़े से कपड़े तय कर लिए हैं क्योंकि अभी मैं थक चुकी हूँ, अभी मैं करने लगी हूँ आराम से। फिर मिलती हूँ आप। जेब के पापा दाल मूँग लेके आए क्योंकि मुझे दाल मूँग बहुत पसंद है। और जेब के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उन चीज़ों में से मेरे लिए भी जेब के पापा दाल मूँग लेके आते हैं, लेकिन फिर भी जेब साहब मेरी हर चीज़ पे कब्ज़ा जमा देते हैं। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊं, लेकिन क्या जेब साहब हैं कि हर चीज़ पे उसका हक होता है। ये देखे पीछे से रो रहे हैं, मैं अच्छा भाई नहीं खाती ये दाल मूँग, आप खा लेना। लेकिन क्या कर सकते हैं, जेब साहब की हर चीज़ में चल। अच्छा बाबा मैंने रख दी। जुएब साहब ट्यूशन से आ चुके हैं और आते हैं, इन्होंने रास्ते से स्लाइम खरीदी है और एक हाँ और चॉकलेट खरीदी है। चॉकलेट खा के इन्होंने रैपर ऐसे ही रख दी है और स्लाइम लेके आए। स्लाइम से क्या बना रहे हो जुएब? हैं जुएब क्या बना रहे हो बताओ? ये सोच रहे हैं जुएब, क्या सोच रहे हो बताओ, क्या बना रहे हो? अच्छा बताओ ना मम्मा को, तो बताओ क्या बनाना। इधर देख हैं जेली बना रहे हो, ये देखो भैया जेली बन गई, वाह वाह क्या बात है आपकी। आप तो और भी कुछ बना के दिखाओ ना जेब। क्यों और तो नहीं आता मुझे। और तो उसको कुछ आता नहीं है, बस जेली बना। क्या आता है, क्या आता है मैं बताऊं? बस जेब अपने स्लाइम से कुछ ना कुछ बना रहे हैं, उसके साथ खेल रहे जी। बिस्किट बनाना आता है, बना के दिखाओ। गोल अंडा बना के दिखा दो, हाँ गोल अंडा बना के दिखा दो। ये जेब साहब अभी गोल अंडा बनाएंगे और अब अपने स्लाइम से खेलने के लिए लगे पड़े हैं। बस चलो किसी हाल में खुश तो हैं। वाह क्या बात है, जेब ने स्लाइम से गोल अंडा बना दिया। और आज के ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। कपड़ों पे गिर जाएगा, लग जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।